स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद अजय सर में। तो आज हम एलडीसी का जो 12/8/2018 में लगा था पेपर, उसका पेपर सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो वह कोटा में स्थित है इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान देश में एकमात्र उत्पादक है? तो राजस्थान है जो देश में जेस्पर, सीसा, जस्ता और वोल्स्टनाइट का एकमात्र उत्पादक देश है, राज्य है, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? तो उसकी सीमा है जो 10 लाख से 2 करोड़ है, ऑप्शन बी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? तो वह भाखड़ा नांगल, संबल परियोजना, व्यास परियोजना, इस सभी के साथ की है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन, ऑप्शन सी राइट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सरसा राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? तो वह भाटिया भाटी है, ऑप्शन डी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? तो अजमेर शहर का संस्थापक अजयराज था, ऑप्शन बी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, कर्नल जेम्स टोट ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? तो वे द्वेर के युद्ध को कहा था जो 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो वह प्रताप समाचार पत्र के द्वारा बनाया था, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? तो आज़ाद मोर्चा का गठन जयपुर में हुआ था। क्योंकि 61, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो जोधपुर राज्य के महाराजा थे हनुमंत सिंह थे, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो यह माली बोली है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, हमको सुमेलित करना है सही से, तो नेजा है जो भील है, इंद्रोणी कालबेलिया, तेरतालिया कांवड़ और बालर गरसिया, तो ए का फर्स्ट सिर्फ एक में ही है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्बार समुदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो इसकी प्रमुख पीठ सलीमाबाद में है, ऑप्शन बी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, जेला, जमेला, पीपल, पत्रा, अगोटिया किस अंग के आभूषण है? तो एक कान के आभूषण है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, जयपुर का परंपरागत शिल्प है? तो जयपुर का जो परंपरागत शिल्प है जो बताना है कौन सा है, यस राइट, जो ब्लू पोटली है वही जयपुर की परंपरा शिल्पी है, ऑप्शन डी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई थी? राजस्थान में जो भामाशाह योजना है 2008 में लागू की गई थी, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम था? तो एम्प्लॉयमेंट लिक्विड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ऑप्शन ए राइट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है, बी इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा का भाव इत्यादि, यह ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देती है, यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने का बढ़ावा देती है। तो बताना है कौन सा सही इसमें, तो इसमें बताना था कौन सत्य नहीं है, इसमें सत्य नहीं है जो है सीमांत किसानों को कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने का बढ़ावा देती है, यह गलत है, ऑप्शन डी राइट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो उसे 1994 में किया गया था, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017-18 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन कितना था? तो 35.30 लाख था, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा श्री उम्मीद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो यह 1939 में की गई थी, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, बताना है क्या कर दिया। तो इसका नाम है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा समन्वित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो सूखा समन्वित क्षेत्र कार्यक्रम है जो 1973-74 में किया गया था, ऑप्शन ए राइट है। दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 में निम्न में से कौन सा मानक ऑटोमोबाइल के लिए लागू हुआ था? तो ए बी सिक्स हुआ था, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह सूर्य से है, ऑप्शन वन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वह टाटा द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 80, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किसे आधार वर्ष मनाया गया है? तो वह 1999 से 2000, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किस में अभी का कवच बीमा योजना प्रभावी है? तो है भेड़ की अप्रकृति मृत्यु से है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया है? तो वह राजस्थान है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह राजस्थान में किया गया है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया? तो यह अजमेर में किया गया, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवार को किस ऋण प्रदान करेगी? तो यह 50,000 ऋण प्रदान करेगी, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य करता है? तो बताना है कौन सा है वो, ओम प्रकाश गालव है, ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमको हमारी है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो वह भीलवाड़ा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? तो वह 51,000 है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पेनवर्मा का शिलान्यास किया गया था? तो बताना है देवनारायण पेनवर्मा का शिलान्यास। शिलान्यास किया था तो वह ए भीलवाड़ा में किया गया था, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, भारत का प्रथम डिजिटल अकाइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो बताना है राजस्थान में कौन से शहर। तो भारत का प्रथम डिजिटल अकाइव है राजस्थान के बीकानेर जिले में। एक्ट 2007 के अनुसार भारत में कुल कितने राज्यों प्रदेशों में 33% से अधिक भारत में वन पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? तो 9 जनवरी 2012 को किया था, ऑप्शन बी राइट है।